दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो अब आप बिल्कुल सेफ नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक नया रूल आया है। जैसे कि अगर आप अपना व्हाट्सएप का यूज करते होंगे फाइनेंशियल कंडीशन में यूज करते होंगे या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लोचा ऐसा बहुत कुछ होता है, ऐसा चैट आप व्हाट्सएप पे करते हैं आप जो कि चाहते हैं कि कोई और मेरा चैट नहीं देखे, लेकिन अब आप सेफ नहीं हैं। जब आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ नया आइकन अभी शो करने कर रहा है जो कि ये कलरफुल बहुत बढ़िया दिखता है और लिखा हुआ है आस्क मेटा AI एनीथिंग। आखिर ये है क्या? आपके व्हाट्सएप में ये नया नया अपडेट हमेशा आते रहता है, कुछ ना कुछ व्हाट्सएप नया करते रहता है, लेकिन अभी ये जो आया है आस्क मेटा AI एनीथिंग ये क्या है? अभी मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपके फ़ोन में ये चीज़ है तो इससे नुकसान क्या है और अगर आप इसका यूज करना चाहें तो आप इसे यूज कैसे कर सकते हैं, सब कुछ अभी मैं इस वीडियो में सही से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको जो कि आस्क मेटा AI एनीथिंग, ये एक AI का टूल है। आपको पता होगा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पे आ रहा है, या आप कोई डिवाइस परचेस कीजिए, कोई सामान खरीदिए वहाँ पे, या फिर कोई एप्लीकेशन हो, कोई सॉफ्टवेयर है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। मेटा भी अपने अंडर में AI को लॉन्च कर दिया है। अब इसका यूज कैसे करना है उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं अभी बताया आपको कि आप सेफ नहीं है अपने व्हाट्सएप को लेकर के, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक नया रूल लागू किया गया है। जैसे कि अब पहले था कि इन टू इन इनक्रिप्टेड आप व्हाट्सएप से कुछ भी चैट वगैरह करते थे, तो यहाँ तक कि व्हाट्सएप जो है वो व्हाट्सएप का ऑफिशियल टीम जो है वो भी आपको चैट को रीड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट के पास इसका सारा डिटेल रहेगा, सारा ट्रैकिंग वो कर सकता है गवर्नमेंट। अगर आपके पीछे कुछ वैसा लोचा होता है या फिर कुछ नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के कुछ आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं या फिर कुछ सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर आपसे कुछ सरकार को प्रॉफिट है, तो आपके चैट को ट्रैक किया जा सकता है। पहले था कि कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी मैसेज कहीं पे फॉरवर्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी किसी को गाली वगैरह कुछ भी दे देते थे व्हाट्सएप से, कोई भी नेता मंत्री कुछ भी किसी के लिए कुछ भी बोल देते थे, लेकिन अब अगर आप कुछ व्हाट्सएप पे गलत करते हैं तो अब आप तुरंत पकड़ में आ जाएंगे। जैसे काफ़ी सारे अफवाह वगैरह फैलाए जाते हैं गवर्नमेंट को लेकर के, या फिर बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि नहीं होना चाहिए, तो उस टाइप का जो भी मैसेज होंगे सरकार के पास ये चीज़ अब आ चुका है राइट, जो कि व्हाट्सएप के सर्वर से रिमूव भी कर सकता है। अगर आप व्हाट्सएप पे कोई भी चैट वगैरह करते हैं तो उस टाइप का मैसेज जिससे कि गवर्नमेंट को नुकसान हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो उस टाइप का मैसेज आपको सोच समझ के करना है। तो अब चलिए जानते हैं आस्क मेटा AI एनीथिंग क्या है। जब आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये कलरफुल कुछ सर्कल यहाँ पे दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का ओपन होता है। कुछ फ़ोन में ऊपर में भी यहाँ पे शो कर सकता है और कुछ में यहाँ पे भी, जैसे कि मेरे में यहाँ पे सर्कल शो कर रहा है। तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बड़ा सा लिखा रहा है आस्क मेटा AI एनीथिंग, यानी जैसा कि मैं आपको बताया कि मेटा कंपनी में भी, मेटा के अंदर भी, व्हाट्सएप के अंदर भी ये AI घुस चुका है। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपको पता होगा ChatGPT के बारे में। ChatGPT ही आज से कुछ दिन पहले आया था, और ChatGPT का काम क्या है कि अगर आप कुछ भी, आपको डाउट हो, कुछ सजेशन चाहिए या फिर कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप ChatGPT के माध्यम से आप आंसर ले सकते हैं और परफेक्ट आपको आंसर देता है। तो जैसे कि आपको कुछ भी ढूंढने के लिए आपको गूगल पे जाकर के ChatGPT का यूज़ करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर कुछ भी आपको बात करना है, कुछ भी अगर सजेशन चाहिए, कुछ भी आंसर चाहिए, अगर आपको AI का यूज़ करना है, ChatGPT का यूज़ करने सोच रहे हैं, तो आप यहाँ पे WhatsApp में ही आपको AI मिल जाता है, जिसके ज़रिए आप इससे WhatsApp से ही AI का यूज कर सकते हैं और जो भी आपको चाहिए, जो भी आंसर चाहिए, जो भी सजेशन चाहिए, जो भी फोटो वीडियो चाहिए, वो सब कुछ मिल जाएगा। इसमें आपको आंसर तो मिलेगा ही, टेक्स्ट तो मिलता ही है, उसके साथ है फोटो भी क्रिएट करा सकते हैं, रील्स भी आपको देता है। लेकिन एक चीज़ मैं गेस किया यहाँ पे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे, कि ये गूगल पे जो पड़े हैं ना उसी को ला करके यहाँ पे दे देता है रील्स वगैरह में। तो चलिए इसका यूज़ कैसे करना है। जैसे कि आप किसी से चैट कर रहे हैं, कुछ भी बातें कर रहे हैं, अब चाहिए कि कुछ ऐसा उसे अट्रैक्टिव सा जवाब देना, आंसर देना, तो इसे आप वो कमांड देंगे, फिर आपको ये उसका सटीक आंसर दे देगा, या फिर वो कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का आंसर हो, क्वेश्चन हो, या फिर कुछ वैसा कोट्स वगैरह हो, कुछ भी, मतलब ऐसा जैसे कि इम्प्रेस वगैरह करने के लिए कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम दे दें इसे कमांड हाउ टू, या फिर कुछ यहाँ पे व्हाट्सएप के बारे में यहाँ से देख लेते हैं, हाउ टू चेक DP ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे डीपी कैसे चेक करें, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि ये यहाँ पे पूरी तरह से जितने भी वो है ना रूल, जितने स्टेप फॉलो करने हैं वो सारे आपको यहाँ पे दे देंगे। इसी तरह से अगर कुछ आप फोटो वगैरह क्रिएट कराना चाहते हैं, क्रिएट
इंडिया मैप, इंडियन फ्लैग, ठीक है, फ्लैग पिक, तो ये क्रिएट करके दे देगा यहाँ पे इंडियन फ्लैग, जो कि थोड़ा टाइम लगा रहा है। हो सकता है कि नहीं भी दे कुछ, अगर इसके कमांड समझ में नहीं आया तो। लेकिन देखिए देख सकते यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि ये पूरी तरह से इंडियन फ्लैग ला करके दे दिया है। बहुत बढ़िया लग रहा है ये भी, है ना, थोड़ा अट्रैक्टिव सा, और क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि फोटोज वगैरह फट रहा है। इसी तरह से इसका यूज कर पाएंगे। अगर रील्स आपको चाहिए तो रील्स भी सेंड आप इसे मंगा सकते हैं, ले सकते हैं, जैसे कि क्रिएट अ रील, सॉरी यहाँ पे क्रिएट अ रील आर्मी, ठीक है। अब यहाँ पे कमांड दिए इसको, तो ये यहाँ पे एक जो भी होगा गूगल से या फिर खुद से भी क्रिएट करके, वैसे मैक्सिमम तो गूगल वाला ही उठा करके दे देता है आपको, रील्स आपको सेंड कर देगा। देख, अरे अरे फोटो शेयर किया, फोटो दिया, ये कमांड समझ नहीं पाया इसलिए, है ना। तो यहाँ पे रील्स, रील लिखे हैं, हो सकता है रील्स से समझ में आए इसे, क्रिएट रील्स आर्मी, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा रहा है लेकिन ये दे देगा। यहाँ पे कमांड समझ नहीं पा रहा है, लेकिन ये जो फोटो जो है ना, फोटो का क्वालिटी बहुत बढ़िया रह रहा है, ये चीज़ बढ़िया है। वैसे मैं हाइट व्हाट्सएप चैट सेंड रील्स, यहाँ कमांड दिया, देखते हैं कि इस बार भी देता है या फिर नहीं। ये रील्स नहीं दे रहा है, कभी कभी देता है, मैंने पहले ट्राई किया लेकिन वही गूगल वाला उठा करके दे दिया। यहाँ पे ये आर्टिकल ला करके दे दिया, जिससे कि आप अपने व्हाट्सएप चैट को हाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसका यूज कर पाएंगे मेटा का। बाकी इससे कोई वैसे नुकसान नहीं है, बाकी वो जो रूल लगा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से वो तो चलेगा ही, जो कि आपके व्हाट्सएप में जो भी चैट आप करेंगे वो गवर्नमेंट के पास भी रहेगा। जब आप बैक आएंगे तो यहाँ पे फ्रंट में ही आ जाएगा, बाद में भी इस चैट को देख सकते हैं। तो आई होप कि ये मेटा AI के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो थोड़ा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।